अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो 10 टू 12 मार्क्स का वेटेज है और बहुत इजी चैप्टर है। ना इसमें कुछ प्रूफ करना है ना ज्यादा कुछ, इसमें 3-5 है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला पुट करना है और आपको सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों आपको, यहां पे हमको 3 सीरीज के बारे में देखना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये 3 सीरीज हमको स्टडी करना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब सवाल ये है, आप पहचानोगे कैसे कौन सा इंडिविजुअल? सिंगल कॉलम नंबर का इंडिविजुअल सीरीज, डबल कॉलम डिस्क्रीट सीरीज, और अगर 5 to 10, 10 to 15 है तो कंटिन्यूअस सीरीज। कैसे देखते हैं, मान लीजिए ये इंडिविजुअल सीरीज है, एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों का एज, मान लीजिए 5 बच्चों को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई। किसी का एज है 30, किसी का एज है 30 तो स्टूडेंट का बहुत ज्यादा हो जाएगा, 13 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 16 ले लीजिए और 11 ले लीजिए। 5 बच्चों का एज, 10 वर्कर की सैलरी, ये सब किसमें आएगा? इंडिविजुअल सीरीज, ध्यान रखिएगा। डिस्क्रीट सीरीज, अब मैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स एंड देयर पॉकेट मनी या अलाउंस, स्टूडेंट्स और उनका पॉकेट मनी, ये तो इंडिविजुअल था। अब डिस्क्रीट, मान लेते हैं एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। इसमें मान लीजिए 15 बच्चों को ये मैंने लिखा स्टूडेंट्स और ये इनका अलाउंस, अलाउंस यानी कि पॉकेट मनी। 15 बच्चों को 10 रुपए पॉकेट मनी मिल रहा है पर डे, 5 बच्चों को 20 रुपए मिल रहा है पर डे, 10 बच्चों को 40 रुपए मिल रहा है पर डे, 12 बच्चों को 50 रुपए मिल रहा है पर डे, 8 बच्चों को 100 रुपए मिल रहा है पर डे। काउंट करो, 15, 5, 20, 30, 42, 50, 50 बच्चे हो गए और सबका, इधर देखो पृथ्वी और ये उनका पॉकेट मनी। तो यहां पे डबल कॉलम दिख रहा है आपको, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक उनका अलाउंस। तो क्योंकि यहां पे डबल कॉलम है तो ये कौन सा सीरीज हो गया? डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद लास्ट आपका कंटिन्यूअस सीरीज, जो कि बहुत इजी है। इसमें आपको लेना पड़ता है क्लास इंटरवल, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड सो ऑन। इसमें कुछ भी आप नंबर डाल दीजिए अपनी मर्जी से, मतलब ऐसे समझिए अगर ये स्टूडेंट्स हैं और ये उनके मार्क्स हैं, इसको मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूं ना, वर्कर्स एंड देयर वेजेस, वर्कर और उनकी मजदूरी, ये भी लिख सकता हूं मैं। तो 5 से 10 बच्चों को 6 नंबर मिला, 10 से 15 बच्चों को 10 मार्क्स मिला, 15 से 20 बच्चों को 10 मार्क्स मिला, 20 से 25 बच्चों को 15 मार्क्स। तो अगर इस टाइप का क्लास इंटरवल आए तो इसे हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज। सिंगल कॉलम एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड देयर क्या कहते हैं, वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स, तो वो कौन सा सीरीज हो जाएगा? इंडिविजुअल, डबल कॉलम है तो उधर उधर उधर, डबल कॉलम है तो डिस्क्रीट, और इस तरह का क्लास इंटरवल है तो इसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। ये 3 सीरीज के बारे में हमको स्टैट्स में पढ़ना है, समझ गए आप? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुम में से कोई अगर फोन रखा है तो फोटो ले लो। कौन रखा है?
वहां से कहां खींचेगा, इधर आके बैठना। अब एक बात और बताना चाहूंगा आपको, अभी आपने क्लास इंटरवल तो देख लिया, इसमें एक छोटी सी चीज बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। ये क्लास इंटरवल में हमें क्या ध्यान में रखना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने आपको बताया, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड सो ऑन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये सिंपल बन जाएगा। लेकिन तब क्या करोगे अगर यहां 5 to 9 है, या मान लो यहां 5 to 10 है, यहां 11 to क्या है 16, यहां 17 to 22, ट्वेंटी थ्री टू 28। जरा ध्यान से देखो इधर आप लोग, ये तो सेम है ना, पर ये तो सेम नहीं है ना, तो इसको हमें सेम करना पड़ेगा। बहुत इजी है, सिंपल। आपको क्या करना है, जो एक बार पॉज करना, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस होगा और अपर लिमिट में प्लस होगा। ये आप लोग क्लास 7-8 से पढ़ रहे हो, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इधर 0.5 को 5 में माइनस करिए, क्या हो जाएगा 4.5, ये लोअर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट। अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करिए, क्या हो जाएगा 10.5। 11 में 0.5 को माइनस करो, 16 में 0.5 को प्लस करो, इसमें 0.5 को माइनस करो, इसमें 0.5 को प्लस करो, इसमें 0.5 को माइनस करो, इसमें 0.5 को प्लस करो। चलो चेक करो, सेम हो गया, यस और नो? तो अगर कंटिन्यूअस में नहीं है तो आपको उसे कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेरी इजी, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दीजिए, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फोटो ले लो। संकल्प, तू रखा है फोन तो तू खींचते जाना उतना दूर से। अब सबसे पहले हमारा टारगेट होगा मीन। मीन जिसको एवरेज भी कहते हैं, और मीन को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स बार। सबसे पहले आज हमारा जो टारगेट है बच्चों, वो है मीन, जिसको एवरेज भी कहते हैं, जिसको लिखते हैं एक्स कैपिटल बार। अब इसमें तीनों सीरीज का हम लोग फॉर्मूला भी चेक करेंगे जो आपको पढ़ना है। ठीक है, जनरली आपके सिलेबस में तीन फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। इस शॉर्टकट को एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, या तो स्टेप डिविएशन मेथड। ये तीन मेथड आपके सिलेबस में जनरली आता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। तो हम तीनों सीरीज को एक एक बार करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स, 10 वर्कर की मजदूरी दी हुई है। कितने वर्कर्स की? 10 वर्कर की। इसका हमें मीन निकालना है, यानी एवरेज निकालना। मान लेते हैं इनको ए बी सी डी ई
एफ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। अब इनका वेजेस ले लेते हैं, ये हमारे वर्कर्स और ये उनका वेजेस। इनका वेजेस ले लेते हैं, किसी का 20, किसी का 25, 30, 40, 50, 15, 35, 60, 80, 20। चलिए बच्चों, ये आपको दे दिया है वर्कर और उनका वेजेस। अब इसका हमें मीन निकाला, तीन मेथड से निकालूंगा मैं। पहले निकालूंगा डायरेक्ट, फिर शॉर्टकट, फॉर स्टेप डिवीजन। अगर एग्जाम में आपको मेथड के बारे में नहीं बोले कि कौन से मेथड से निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड से निकालना, बिकॉज ये सबसे इजी है, सबसे सिंपल है। और अगर एग्जाम में बोलेगा तो वही वाला मेथड यूज कर लेना। चलिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में, और ध्यान रखिए, हम लोग कौन सा सीरीज पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज, अभी हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ, या फिर ऐसे कर लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ, ये आप लोग बचपन से एवरेज का फॉर्मूला पढ़ते आए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लेते हैं जो वर्कर्स हैं, ठीक है, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, और वेजेस को ले लेता हूं एम। और नंबर में आप कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका सम करेंगे यस और नो, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? सम को, यहां पे समेशन का ये साइन होता है, समेशन यानी टोटल, समेशन ऑफ एम अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जो भी दिया रहेगा, ठीक है? चलिए इसका टोटल कर लेते हैं, और टोटल करके यहां मैं लिखूंगा समेशन ऑफ एम। आप यहां पे समेशन ऑफ एक्स या कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? मैं इसको समेशन एफ लेता तो ये हो जाता समेशन ऑफ एफ, सी लेता समेशन ऑफ सी। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, एन मतलब अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ वर्कर भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार भी हो सकता है। चलिए टोटल करते हैं इसको, 45, 75, 115, 165, 180, 215, 275 और 100, 375। कितना आ गया बच्चों? 375। तो 375 अपॉन कितने वर्क करें? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, तो 10 से डिवाइड होगा, पॉइंट एक घर पीछे आ जाएगा, 37.5। तो ये है डायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट मेथड, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। अगर आप इसको एक्स लो और इसको अगर आप एफ लो, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, समझ गए? तो बहुत इजी है इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, जितना आइटम्स है उसको प्लस करिए और जितने आइटम्स है उससे डिवाइड कर दीजिए। कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे किस मेथड से? शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर, पॉज। अब सेम क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे? शॉर्टकट मेथड। ध्यान से, सबसे पहले इसमें से, इसको मैंने क्या माना हुआ है? वेजेस को एफ माना हुआ है, ठीक है? इसमें से कोई भी एक नंबर चुन लेना अपनी मर्जी से, कोई भी एक नंबर तमशेद, कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से चुन लो। जैसे मान लो मैंने चुन लिया 30, इसको मैं कहूंगा एज्यूम्ड मीन। क्या कहूंगा? अब आप निकालोगे डी। अब ये डी क्या होता है?
डी होता है एफ माइनस ए, मतलब जिसको आपने चुना है इन सब को बारी बारी से उससे माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो नंबर आपने चुना है बारी बारी से हमें उससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए करते हैं 20, और हाँ ध्यान रखिए पहले क्या रहेगा f, मतलब जो नंबर ऑफ दिया हुआ है, 20 माइनस 35 क्या आएगा, माइनस 15, 25 माइनस 35 माइनस 10, 30 माइनस 35 40 माइनस 35 50 माइनस 35 15 माइनस 35 माइनस 20, 35 माइनस 35 60 माइनस 35 80 माइनस 35 20 माइनस 35, समझ गए कहां पे, 60 माइनस 35, अच्छा सॉरी 60 माइनस 35 25 80, हाँ ठीक 20 माइनस 35 माइनस 15 ठीक है। और आज आपको एक ट्रिक बता देता हूं, इस चैप्टर में जब भी मीन मीडियन मोड साला कोई भी फॉर्मूला लगाइए आप, लास्ट कॉलम का टोटल हमेशा करना पड़ेगा, याद रख लीजिए इसको। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब हम मीन मीडियन मोड करेंगे स्टैट्स में, लास्ट कॉलम का टोटल हमेशा होगा, कौन सा कॉलम, लास्ट कॉलम। एक बार गौरव खड़े होकर देखते हैं, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं तो क्या कहेंगे, समेशन ऑफ डी, समेशन ऑफ डी, डी मतलब होता है डिविएशन, डी मतलब क्या होता है डिविएशन। चलिए करते हैं, हमें एक बात बताइए, माइनस 15 प्लस 15 कट जाएगा, सबका ही कटना है एक दिन। अब माइनस 5 प्लस 5 भी कट जाएगा, अब माइनस 10 और माइनस 20 कितना होता, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 15, तीन आइटम्स माइनस में, 10 20 30 30 और 14 45 माइनस 45 माइनस, अब प्लस को देखते हैं, ये प्लस 45 कैंसिल हो गया, यस और नो, माइनस 45 प्लस 45 कैंसिल, क्या बचा प्लस 25, क्या बचा, तो समेशन ऑफ डी प्लस 25। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला मीन निकालने का, समेशन ऑफ डी सॉरी ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, ए मतलब जो एज्यूम्ड मीन आपने चुना था, जो एज्यूम मीन आपने, हमने किसको चुना था 35, प्लस समेशन ऑफ डी नंबर ऑफ आइटम्स 10 थे एक से लेके 10, 25 बाई 10 क्या हो जाएगा 2.5 होगा, यस और नो, 35 प्लस 2.5 37. अभी गौरव को मैंने क्वेश्चन दिया था तो उसने सॉल्व किया था, 60 लिया था हमने या 50 लिया था, 50 लिया था तो भी आंसर आ गया, और मैंने 35 लेके किया तो भी आंसर, तो इसका मतलब क्या पता चलता है, कोई भी नंबर आप इसमें से एज्यूम कोई भी आप चुन सकते हो, जैसे कॉलेज में सब मुझे ही चुनते थे। एनीवेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले पॉज कर। अब करेंगे बच्चों सेम क्वेश्चन स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन में डी तो आप लोग निकाल चुके हो, यस और नो, अब आप लोग को एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको कहेंगे डी डैश, क्या कहेंगे, और ये डी डैश क्या होगा, डी डैश होगा ये दिख रहा है, ये इसका एचसीएफ निकालो, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये डी दिख रहा है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा, हाँ है ना, ये सारे नंबर किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 5, और डी डैश कैसे आएगा, डी अपॉन सी, डी अपॉन मतलब इसको हमें 5 कॉमन फैक्टर से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, माइनस 15 को 5 से डिवाइड करो, माइनस 10 को 5 से डिवाइड करो,
माइनस फाइव को फाइव से डिवाइड करो, फाइव को फाइव से, फिफ्टीन को फाइव से, माइनस ट्वेंटी को फाइव से, जीरो को फाइव से, ट्वेंटी फाइव को फाइव से, फोर्टी फाइव को फाइव से और माइनस फिफ्टीन को फाइव से। सही है यस और नो? ये हमारा डी डैश का कॉलम, लास्ट कॉलम का टोटल करना पड़ेगा यस और नो। तो इसका फॉर्मूला है स्टेप डिविएशन का, ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। पिछले वाले फॉर्मूले जैसा ही है, उसमें भी ए प्लस था, उसमें समेशन ऑफ डी था, इसमें समेशन ऑफ डी डैश, नीचे एन था इंटू सी। क्यों डी डैश? लास्ट कॉलम का टोटल। हर बार किस कॉलम का टोटल? लास्ट कॉलम। चलो इसका टोटल कर लेते हैं। माइनस थ्री प्लस थ्री कट गया, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस फाइव भी कट गया। मैंने किसको किसको काटा है? एक मिनट, माइनस थ्री प्लस थ्री काटा, उसके बाद माइनस वन माइनस फोर यानी माइनस फाइव और नीचे का प्लस फाइव काट दिया, ठीक है। और माइनस वाले कौन है? माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस फाइव। माइनस का टोटल कितना है? माइनस। अब प्लस वाले, नाइन प्लस वन, माइनस फाइव प्लस टेन, क्या आया? यानी समेशन ऑफ डी डैश कितना आ गया? बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो। ए किसको चुने थे? समेशन ऑफ डी डैश, नंबर ऑफ आइटम्स, कॉमन फैक्टर, फाइव वन जा फाइव, टू वन जा टू, टू जा फोर, टू पॉइंट फाइव, थर्टी फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव, थर्टी सेवन पॉइंट। यानी कोई भी मेथड लगाओ आंसर वुड बी सेम। यही तीन मेथड आपके सिलेबस में है। अभी मैंने क्या सिखाया? इंडिविजुअल। अब हम लोग करेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। काइंडली नोट कर लीजिए, पॉज कर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। आप देख सकते हैं डबल नंबर का कॉलम है, मतलब ये कौन सा सीरीज हो गया? डिस्क्रीट। कुल मिला के 12 बच्चे हैं क्लास में, उनका वेट दिया है 67 केजी वाले चार बच्चे। और बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर ऑफ होगा, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ मेन, इसको हमेशा एफ लीजिएगा। और जो आइटम दिया है, वेट, हाइट, सैलरी, इनकम, इसको लीजिएगा एक्स, ठीक है। रिमेंबर दिस, 67 वेट वाले चार बच्चे, 70 वेट वाले तीन बच्चे, 72 केजी वाले दो बच्चे, 73 केजी वाले दो बच्चे और 75 केजी वाले एक बच्चे। वैसे तो ये 12 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं कहूं ये लालू प्रसाद यादव का परिवार तो गलत नहीं होगा। उसके कितने बच्चे थे? 9 या 10। खैर, तो अब इसको हम लोग कौन से सीरीज, सबसे पहले कौन सा मेथड लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड, फिर स्टेप डिविएशन। डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, सिंपल कर दो एक्स इंटू एफ, खेला खत्म। एक्स इंटू एफ मतलब एक्स को नंबर ऑफ एफ से तुम्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई। 67 इंटू फोर, फोर से एट कैरी टू, 70 इंटू थ्री, 72 इंटू टू, 73 इंटू टू, 75 इंटू वन, आगे एक्सएफ। अब सिंपल क्या करना, मैंने बोला था लास्ट कॉलम का टोटल, लास्ट कॉलम का, तो समेशन ऑफ एक्स एफ। और पता है इसका मीन निकालने का फॉर्मूला? समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ ए, सॉरी समेशन ऑफ एफ। टोटल कर लो, कितने स्टूडेंट्स हैं? 12। इसका टोटल 6, 5, 11, 15, 23, कैरी 2, 6 plus 2, 8, 9, 13, 17, 7, 24, कैरी 2, 2 to 4, 5, 6, 7, 8। एक बार कर ले तो गौरव, चेक कर ले तो सही है कि गड़बड़ है? जल्दी कर, सही है। 843 डिवाइडेड बाई 2,
12 7 जा 84, 12 0 जा 0 30, 12 2 जा 24, 6 0 12 5 जा 60, कितना है आंसर? 70.25। कौन सा मेथड? अब इसी क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे? शॉर्टकट मेथड। जल्दी जल्दी नोट करो, पॉज कर। अब सेम क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कौन सा मेथड? शॉर्टकट, जिसको एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं। क्या इधर देखो, एज्यूम्ड मीन क्या करते थे? अपनी मर्जी से कोई नंबर उठाते थे, एफ से मत उठाना, एक्स से उठाना। फिर रिपीट कर रहा हूं, एफ से नहीं चुनोगे, किससे चुनोगे? एक्स से। और जिसको चुनोगे उसको क्या कहते हैं? एज्यूम्ड मीन। तो इसके बाद ए हमने चुन लिया, फिर याद है डी, डी मतलब डिविएशन, एक्स माइनस ए, याद है यही लिख के दिया था। तो 67 माइनस 70 माइनस 3, 70 माइनस 70, 72 माइनस 70, 73 माइनस 70, 75 माइनस 70, सही है, डी आ गया। अब इसके बाद एफ इंटू डी क्या करोगे? एफ इंटू डी, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, 3 0 जा 2 2 जा 2 3 जा 5 1 जा, हो गया। क्या बोला था? लास्ट कॉलम का टोटल। तुम लोग नोटिस करो, इंडिविजुअल सीरीज में क्या हम लोगों ने इंटू किया था? मीन निकालने के लिए नहीं किया था, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में जब हमने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया था, मल्टीप्लाई हुआ था, हाँ या ना? मतलब यहां पे हर फॉर्मूले में आपका डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन में मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। इसमें एफ डी, उसमें क्या हो जाएगा? एफ डी डैश। ये लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम का क्या करोगे? टोटल। क्या कहेंगे इसको? समेशन ऑफ एफ डी, 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 माइनस 12, आ गया 3। अब फॉर्मूला ये दिख रहा है, इधर वाला एक बार खड़े हुए देख, तो इधर वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक। तो मीन का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? शॉर्टकट मेथड, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। वहां पे हम लोग लेते थे एन, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, यहां पे एन का मतलब क्या है? समेशन ऑफ एफ। याद रखना, समेशन ऑफ एफ को ही क्या बोलते हैं? एन, नंबर ऑफ आइटम्स। किसको चुना मैंने? 70। समेशन ऑफ एफ डी 3, समेशन ऑफ एफ 12, 3 1 जा, डायरेक्ट मेथड से आंसर कितना आया था? 70.25 आ गया आंसर। 1 को 4 से डिवाइड करोगे, 0.25 आ गया आंसर, 70.25। समझ आया? कौन सा मेथड था ये? शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन। नोट करो, इसके बाद स्टेप डिविएशन, पॉज कर। अब करेंगे बच्चों हम लोग इसी क्वेश्चन को स्टेप डिविएशन मेथड, यानी कि एफ डी डैश। डी आप लोग का यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा, इसके बाद आपको डी डैश पे चले जाना। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए ना बच्चों, सिंपल, कि भाई जब मेरे को शॉर्टकट करना है तब मेरे को एफ डी लाना है या डी पे चलेगा, और जब मेरे को स्टेप डिविएशन में जाना है डी डैश। तो डी मेरा आ चुका है, इसके बाद डी डैश, डी डैश के लिए बच्चों मैंने आपसे कहा था कॉमन फैक्टर चुनना पड़ता है, कि डी डैश होता है डी अपॉन सी, और सी मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो यहां पे डी में से अगर मैं देखूं, मेरे को कॉमन फैक्टर तो मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसका फिर 1 है, एलसीएम तो नहीं ले सकते, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब क्या है? तो
मेरा सी क्या हो गया, वन। तो सेम वही आ जाएगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करने से वही नंबर आ जाता है। यानी यहां पे भी -3, 0, 2, 3, 5, डन। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एफ इंटू, उसमें एफ इंटू डी किए थे, इसमें एफ इंटू डी डैश, सेम आ जाएगा 12, 0, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 5। लास्ट कॉलम का टोटल समेशन ऑफ एफ डी डैश 3, कितना आ गया 3। अब फॉर्मूला, स्टेप डिविएशन ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश समेशन ऑफ एफ इंटू सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर। ए किसको चुने थे, 70, समेशन ऑफ एफ डी डैश 3, समेशन ऑफ एफ 12, 1, 3, 1 जा 3, 4 जा 70 प्लस 1/4, 1/4 क्या होगा, 0.25, 70.25 क्या आ गया ये, स्टेप डिविएशन से आपका मीन, समझ गए। तो ये हमारा कौन सा सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज। अब कौन सा करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पॉज कर दे। अब हम लोग करेंगे बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज मैंने सीधा सीधा आपको बताया, क्लास इंटरवल इस तरह के फॉर्म में रहेगा तो वो क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में बच्चों ध्यान रखिएगा, हमें एम निकालना पड़ता है। एम का मतलब होता है मिड वैल्यू। एम का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। ध्यान रखें, सबसे पहले हम कौन सा मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब एम, और मिड वैल्यू आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, मिड वैल्यू एम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई, ये अपना लोअर ये अपना, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 305 डिवाइडेड बाई 2, 152.5। हाँ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 315, 315 डिवाइडेड बाई 2, 2, 15 जा 30, 2, 7 जा 14, 2, 5 जा 10, 157.5। अब एक आसान तरीका बताता हूं, कितने का गैप है बच्चों, 5 का गैप है, तो 5 को प्लस करते जाओ, क्या करते जाओ, प्लस प्लस कर दो 162.5। और ऐसे भी करोगे इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, वही आएगा। मैं बस इसलिए बता ताकि जल्दी हो जाए, 167.5। ये कौन सा मेथड है पता है ना, डायरेक्ट। पृथ्वी तो भेजूंगा अब सीधा भूलोक। और अब एफ इंटू एम, मैंने बोला है उसमें डी निकालते थे, इसमें क्या होगा, एम, एफ इंटू एम, इंटू कर दो, लेयर कर दो, इसको ऐसे इंटू कर, हाँ उसी से करके बता जल्दी जल्दी। 15 इंटू 152.5, अरे कैमरा चालू है ना, 2, 2, 8, 7। अब 157.5 को 13 से इंटू कर, 2047.5। अब 162.5 को 10 से इंटू कर, 1625। हाँ ये तो पॉइंट हट जाएगा सीधा 10 से, 8 से इंटू कर, 1, 3, 4, 172.5 को 9 से इंटू कर, 1, 5, 5, 2, 1। अब 177.5 को 5 से इंटू कर, 887.5 हो गया।
आ गया ये क्या बोला था, लास्ट कॉलम का टोटल यानी समेशन ऑफ एफएम, और समेशन ऑफ एफ तो करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में लास्ट कॉलम को तो करना ही है और एफ का भी टोटल करना है। ले यार इसका टोटल कर, मैं इसका कर ले रहा हूं, कितना 974। मीन निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एफएम अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफएम 9740 अपॉन 60, 00 कैंसल, 6 16 96, 1462 12 20, चेक कर, यही है क्या? कैमरा पॉज कर दे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करिए। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन में आप जानते हैं हमें कुछ चुनना पड़ता है, तो यहां पे आपको एम में से चुनना है। डिस्क्रीट सीरीज में आप एक्स में से चुन रहे थे, कंटिन्यूअस सीरीज में आपको एम में से चुनना है। एम हमारा आ चुका है, इसमें से कोई भी एक नंबर चुनिए, मैंने इसको चुना, तो ये मेरा क्या हो गया, ए एज्यूम मीन। इसके बाद डी, डी कैसे आएगा, एम माइनस ए, मतलब ये एम को इससे में लगातार क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। 152.5 माइनस 162.5 माइनस 10, 157.5 माइनस 162.5 माइनस, ये 162.5 माइनस 1 0, ये प्लस 5 10 15। इसके बाद क्या करना है पता है ना आपको, F इंटू डी, मैंने बोला ही था तुम लोगों को कि डिस्क्रीट में एफ डी होता है और स्टेप डिविएशन में F इंटू डी डैश, तो F इंटू डी 15 इंटू माइनस 10 माइनस 150, 13 इंटू माइनस 5 माइनस 65, 10 जीरो 0, 8 5 40, 9 10 90, 5 15 75। ये लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम का क्या करना पड़ेगा, टोटल समेशन ऑफ एफ डी, माइनस वाले दो हैं, कितना हो जाएगा माइनस 215, और प्लस 90 प्लस 40 130 प्लस 75 205, माइनस 215 प्लस 205 माइनस 10, माइनस 10। अब फॉर्मूला, मीन निकालने का कौन सा मेथड, शॉर्टकट, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। ए हमने किसको चुना था, 162.5 समेशन ऑफ एफ डी माइनस 10 समेशन ऑफ एफ 60 प्लस माइनस 00 कैंसल 1 अपॉन 6 6 जीरो 0 1 0 6 1 6 4 0 6 6 36। इसको माइनस कर दो, 162.5 माइनस 0.16, 0.16। डायरेक्ट मेथड से क्या फॉर्मूला आया था, क्या आंसर आया था, आ गया ना आंसर। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया बच्चों, शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद हम करेंगे स्टेप डिविएशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फोटो ले, गौरव पॉज कर। इधर अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लास्ट मेथड जो है स्टेप डिविएशन, सिंपल डी तो निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद याद है क्या निकालेंगे, डी डैश, क्या निकालेंगे,
और डी डैश कैसे निकलता है, डी डिवाइडेड बाई सी। इधर ध्यान दो, और सी मतलब कॉमन फैक्टर, सी मतलब, अब जरा ध्यान से देखो अपने डी को, ये सब फाइव के टेबल में आते हैं, यस और नो। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, अब डिवाइड करते जाओ, माइनस टेन डिवाइडेड बाई फाइव माइनस टू, माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव माइनस वन, जीरो डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव डिवाइडेड बाई फाइव, टेन डिवाइडेड बाई फाइव, फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव हो गया, और लास्ट एफ इंटू डी डैश, उसमें एफ इंटू डी, इसमें एफ इंटू, फिफ्टीन इंटू माइनस टू माइनस थर्टी, थर्टीन इंटू माइनस वन, टेन जीरो ज, एट वन ज, नाइन टू ज, फाइव थ्री ज, उसके बाद लास्ट कॉलम का टोटल समेशन ऑफ एफ डी डैश, थर्टी और थर्टीन माइनस फोर्टी थ्री, एटीन और फिफ्टीन थर्टी थ्री, थर्टी थ्री और एट फोर्टी वन, माइनस फोर्टी थ्री प्लस फोर्टी वन माइनस टू माइनस, बस अब फॉर्मूला स्टेप डिविएशन का, मीन का, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, शुरू से बोलते आया हूं, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश समेशन ऑफ एफ इंटू सी। ए हमने किसको चुना था, 162.5, समेशन ऑफ एफ डी डैश माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू, समेशन ऑफ एफ 60, कॉमन फैक्टर 5, 5 वन्स अ, 5 ट्वेल्स अ, 2 वन्स अ, 2 सिक्स अ, वही आ गया वापस, 162.5 माइनस 1 बाई 6, यानी 162.5 माइनस 6, 0 जा 0, 1 0, 6 1 जा 6, सेम आ गया, क्या आंसर आया था गौरव, बस हो गया डन। तो कोई भी मेथड लगाओ आंसर वही आना चाहिए, बस एक बात आपको दिमाग में रखना है, जब हम कंटिन्यूअस में करेंगे हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट मेथड है सीधा एफ इंटू एम, अगर शॉर्टकट मेथड है डी एफ इंटू डी, और अगर स्टेप डिविएशन है तो डी डैश फिर एफ इंटू डी डैश, एम तो आपको हर किसी में निकालना पड़ेगा ही, कौन सा मेथड, स्टेप डिविएशन, समझ गए आप लोग। अब हम लोग करेंगे इसी का मिसिंग वैल्यू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग नोट करो, पॉज कर, अब हम लोग मिसिंग वैल्यू करेंगे, और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, मिसिंग वैल्यू में हमेशा डायरेक्ट मेथड लगेगा, मिसिंग वैल्यू में कोई भी मेथड लगाओ आंसर आएगा, पर दूसरा मेथड लगाओगे तो कॉम्प्लिकेट मतलब लंबा पड़ेगा, पर डायरेक्ट मेथड लगाओगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे ये क्लास इंटरवल दे दिया कंटिन्यूअस सीरीज का, फ्रीक्वेंसी में दो मिसिंग वैल्यू देख सकते हो, एक एफ वन और एक एफ टू, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इधर देखो अभी नोट मत करो, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब समेशन ऑफ एफ कितना दिया है 120, बोला था ना एन बोलते हैं उसको, और मीन दे दिया है 50, हमें एफ वन और एफ टू निकालना, समझ गए, पहला इक्वेशन तो यू बन जाएगा हवे में, कैसे बनेगा बताओ, इन सब को प्लस करके 120 आएगा, यस और नो, तो बताओ प्लस करो 17 प्लस 32 49, 49 प्लस 19 68, कितना आया 68 प्लस एफ वन प्लस, सही है यस और नो, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 100 पृथ्वी फोर, ये 120 बुक में दिया हुआ है गिवन, और ये मैंने निकाला, दोनों ही तो समेशन ऑफ एफ है, तो दोनों को इक्वल करेंगे इक्वेशन में, यस और नो, ये मैंने निकाला समेशन ऑफ एफ और ये क्वेश्चन में दिया, तो दोनों को क्या करेंगे इक्वल, यानी 120 ये भी समेशन ऑफ एफ और ये भी समेशन ऑफ, दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी, यानी 120 इक्वल टू 68 प्लस एफ वन प्लस एफ टू प्लस 68, इधर आके
120 माइनस 68 कितना आया? पहला इक्वेशन बन गया, यस और नो? एफ वन प्लस एफ टू कितना आया? 50 बन गया पहला इक्वेशन। कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में याद है क्या करते थे? एक्स इंटू, सॉरी, डायरेक्ट मेथड क्लास इंटरवल में मिड वैल्यू निकालते थे। क्या निकालते थे? मिड वैल्यू, याद है? लोअर लिमिट और ये, और मिड वैल्यू कैसे निकलता था याद है कि भूल गए? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, इससे हमारा क्या निकलेगा? मिड वैल्यू। चलो बताओ, 0 प्लस 20 बाई 2 10, 60 बाई 2 30, 100 बाई 2 50, 140 बाई 2 180 बाई 2 90, डन। इसके बाद याद है एफएम करते थे, क्या करते थे? अंकित बोर्ड में देख, एफ इंटू एम, 17 इंटू 10 30 इंटू एफ वन 30 एफ वन, 50 इंटू 32 1600, गलत तो नहीं कर दी? 300 नहीं, सही है। 17 इंटू एफ टू 70 एफ टू 19 इंटू 19 9981 वन कैरी 171। फिर याद है लास्ट कॉलम का टोटल यानी समेशन ऑफ एफ एम, समेशन ऑफ, चलो करो 16, कर तो गौरव मैं बोल रहा हूं, 1600। और याद रखो जब भी आप टोटल करोगे, इधर देखो अभी नोट कर रही हो पहले से, ये 30F1 और 70F2 ये तो प्लस नहीं होगा लेकिन बाकी प्लस हो जाएगा। 170 प्लस 1600 प्लस 1710 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2, सही है यस और नो? हो गया ये। अब मीन का फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ, सही है? मीन क्वेश्चन में कितना दिया है? 50। मीन कितना दिया हुआ है? तो मीन की जगह कितना डाल दिया? 50। समेशन ऑफ एफ एम वो रहा 3480 प्लस 30F1 प्लस, तुम लोग चुप रहोगे, 70F2 प्लस 3480 इधर आके माइनस 3480 30F1 प्लस 70F2 ओहो सॉरी, समेशन ऑफ एफ भी तो करना है। समेशन ऑफ एफ कितना है, ये वाला ले कि ये वाला ले, बताओ? अगर हम इसको लें या इसको ले, इसको लेके देखते हैं, इजी पड़ेगा। दो समेशन ऑफ एफ है हमारे पास, एक 120 जो क्वेश्चन में गिवन है और एक जो मैंने निकाला है, इसको लेके देखते हैं कितना है ये 120। तो कितना ले लूं यहां पे? अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यस और नो? 50 इंटू 120 6000, और ये जैसा है 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 6000 प्लस इधर आके 30F1 प्लस 70F2 0 8 से 10 2 कैरी 1 5 से 10 5 2520। ये दोनों 10 के टेबल में आते हैं, हाँ है ना? तो 10 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? 10 3 जा 30, क्या बचेगा अंदर? 10 7 जा 70, अब इधर का 0 इधर का 0
252 इक्वल टू 3f1 प्लस 7f2। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इतना नोट करिए, पॉज कर। अब देखिए बच्चों, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू 252, और पहला इक्वेशन जो इसको यूज करके हमने बनाया था f1 प्लस f2 इक्वल टू 52। अब इन दोनों को इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड से निकाल देंगे, ठीक है। बोर्ड में स्पेस नहीं है तो बच्चों मैं इस साइड वाला मिटा रहा हूं, रब कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तो आप लोग देख ही चुके थे, तो ये मैं रब कर रह रहा हूं। अब यहां पे सॉल्व करेंगे, पहला इक्वेशन f1 प्लस f2 इक्वल टू 52, दूसरा इक्वेशन ये रहा 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू 252। इक्वेशन चैप्टर में हमने एलिमिनेशन पढ़ा है, ये इसको x इसको y समझ लो, एक को एलिमिनेट करने के लिए सेम कर दो, ये f1 में 3 है लेकिन यहां पे 3 नहीं है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस पूरे इक्वेशन को 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो 3 into f1 3f1, 3 into f2 3f2, 3 into 52, 3 2 6, 3 5 जा, बस सेम हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, f1 कट गया, 7 minus 3 4f2, 252 minus 56 96, 4 कहां चला जाएगा, 24, f2 कितना आ गया 24। अब इसको फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, आपका f1 आ जाएगा, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, f1 प्लस f2 इक्वल टू 52, f1 प्लस 52 मेरा 24, f1 इक्वल टू 52 प्लस 24 उधर जाके माइनस 24 28, तो मेरा मिसिंग वैल्यू f1 कितना आ गया 28, और मेरा मिसिंग वैल्यू f2 कितना आ गया 24। समझ गए आप लोग, इस तरह से मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन हमको करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलिए, मिसिंग वैल्यू आपने देखा जिसमें दो मिसिंग वैल्यू थे, अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिंगल मिसिंग वैल्यू हो। अपने दिमाग में बच्चों एक बात बिठा लीजिए, अगर दो मिसिंग वैल्यू है, जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें मीन भी देगा और एन समेशन ऑफ एफ यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का टोटल भी देगा, लेकिन अगर एक ही मिसिंग वैल्यू है जैसा इस क्वेश्चन में है तो इसमें एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का टोटल नहीं देगा, सिर्फ मीन देगा। तो चलिए ये बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे मिसिंग वैल्यू में, डायरेक्ट मेथड, और क्लास इंटरवल में क्या निकालना पड़ता है, एम, एम यानी कि मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 13 प्लस 11 24 बाय 2 12, 15 प्लस 13 28 बाय 2 14, कितने का गैप है, 2 का, 2 तो बढ़ा दो, इसके बाद क्या करते थे fm, f into m, 7 12 84 14 6 84 69 134 18 13 234 20 into f 22 into 5 110 96। क्या बोला था, लास्ट कॉलम का टोटल, तुम चारों का मैं घर भेज दूंगा, अब लास्ट बार बोल रहा हूं, तुम चारों को समेशन ऑफ fm ले टोटल कर, तो गौरव 20f को मत करना बस, सेवन फाइव
7, 5, 2. प्लस 20F. अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड मैंने बोला था, मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ FM अपॉन समेशन ऑफ F. हमारा मीन कितना दिया है? 18. समेशन ऑफ FM 752 प्लस 20F. समेशन ऑफ एफ 549, 930, 22, 31, 37, 44 प्लस एफ. तो यहां पे समेशन ऑफ एफ में 44 प्लस. कई बच्चे यहां पे एफ एफ को काट देंगे, नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है. क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 को 44 प्लस एफ से इंटू करना है और 752 प्लस 20F को 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा. 18 इंटू 44, 18 फोर जे 72, 2 कैरी 7, 18 फोर जे 72, 79 प्लस 18 इंटू एफ 18F 752 प्लस 20F प्लस प्लस 752 इधर ट्रांसपोज ओके, माइनस 752 प्लस 18 वहां ट्रांसपोज होके माइनस 18F 40 इक्वल टू 2F. 2 चला गया नीचे, F का वैल्यू कितना है? 20. यानी हमारा मिसिंग वैल्यू कितना आ गया? 20. तो आप देख सकते हैं मिसिंग वैल्यू में हमेशा डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लो, पॉज कर. अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज का मिसिंग वैल्यू. कंटिन्यूअस का तो देख लिए, अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज का मिसिंग वैल्यू. मैंने आपको बार बार बोला है जब भी मिसिंग वैल्यू होगा डायरेक्ट मेथड ही लगेगा. अब इसमें भी हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है तो सिंपल, एक्स इंटू एफ. आपको याद होगा डिस्क्रीट सीरीज, अगर दो नंबर वाला कॉलम है तो वो कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट, जिसमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला निकालने के लिए मीन एक्स इंटू एफ करते हैं. 5 2 10, 8 5 40, 10 8 80, 12 into 22, 264, 7 into P, 7P. ये रहा मिसिंग वैल्यू एक्स का, आप देख सकते हैं. 20 into 4, 80. जनरली एफ मिसिंग वैल्यू में दिया रहता है, इस बार x में मिसिंग वैल्यू दिया, लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं होगा. 25 2 100. इसके बाद क्या करते हैं आप लोगों को पता है, समेशन ऑफ xf. कहां 50 25 2 50 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 80 130, 330, 390, 394 प्लस 100, 494 प्लस 30, 524, 524 प्लस 7P, 524 प्लस 7P. और F का भी टोटल निकालना पड़ता है, समेशन ऑफ F 257, 8, 15, 22, 37, 44, 48, 50. बस अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए. डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, मीन x बार इक्वल टू समेशन ऑफ xf अपॉन समेशन ऑफ f. मीन कितना दिया है? 12.5. तो मीन के जगह 12.5, समेशन ऑफ xf 524 प्लस 7p, समेशन ऑफ f 50. क्रॉस मल्टीप्लाई 12.5 इंटू 50, 625.0 यानी 625. 524 प्लस 7p प्लस 524 इधर आके माइनस
4, 6, 5, 1, 0. सेवन चला जाएगा नीचे, क्या इसका आंसर पॉइंट में चेक कर दो, क्या आंसर है कितना, कहीं कुछ कैलकुलेशन उसके बाद पॉज करना। एक माइनर सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, एक्चुअल में जो मीन है हमने उतारने में गलती कर दी थी, 12.58 है, मीन 12.5 नहीं है, 12.58, तो 12.58 यहां पे आ गया, इंटू 50 किए तो 629 प्लस 524 इधर का माइनस 524, 629 से 524 को माइनस किया 105। अब जो 7 ऊपर वो ट्रांसपोज होके नीचे आ जाएगा 15, तो हमारा मिसिंग वैल्यू कितना आ गया 15। वो गौरव जो क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा था उसने 12.5 बोला था, वो 12.58 है, तो इसीलिए बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर देखिए। अब हम लोग मीन निकालेंगे स्पेशल केसेस में, दो स्पेशल केस है, एक लेस देन बिलो और एक मोर देन अबव। बहुत ध्यान से देखना बच्चों जो मैं बताने जा रहा हूं, लेस देन और मोर देन। सबसे पहले देखिए ये बिलो करके दिया था, लेस देन वाला है हाँ या ना, बिलो 10 बिलो 20, तो पहला जो मेरा इंटरवल बनेगा, आप मेरे को एक बात बताइए, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें इंटरवल बने होते थे, इसमें इंटरवल बना नहीं है, तो हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो पहलो 10, तो पहला वाला क्या हो जाएगा 0 to, उसके बाद 10 का गैप 10 to, फिर 20 to, कहां तक जाना है 90 to 100, क्योंकि लास्ट वाला बिलो 100 है। अगर मैं 100 से 110 चला गया वो तो 100 से ऊपर हो गया, पर मैं 100 से आगे नहीं जा सकता, इसीलिए आखिरी वाला क्या होगा 90 to 100। बताओ क्या मेरा क्लास इंटरवल बन गया, यस और नो? अब असली खेल अब खेलेंगे हम, डायरेक्ट इसको नहीं उतार देना, गलत हो जाएगा। ये जो एफ दिख रहा है तुम लोग को 5, 5 वैसे डायरेक्ट मत उतारना, पहले वाले को वैसे ही उतारो फिर माइनस करते जाओ। पहला वाला क्या है, उतार दिए 5, 9 - 5, समझ आया क्या हो रहा है, 17 - 9, 8, 29 - 17, 45 - 29, 60 - 45, 70 - 60, 78 - 70, 83 - 78, 85 - 83। असली खेल ये एफ निकालना होता है, समझ आया क्या हुआ? अरे सॉरी, हाँ तो लेस देन वाला कुछ, ठीक से बैठो, तुमको बोल रहा हूं लेस देन जब भी आएगा पहले वाले एफ को वैसे ही उतार देना, फिर क्या करते जाना माइनस। उसके बाद तरीका आप लोग को पता है, क्या निकालते हैं एम मिड वैल्यू, बिकॉज कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के लिए क्या निकालते हैं मिड वैल्यू, एम लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इसके बाद क्या निकालते हैं एफ इंटू एम, 5, 5 + 25, 15, 4 + 60, 25, 8 + 200, 12 × 35, 420, 16 × 45, कितना
15 into 55, 10 into 65, 650. 75 into 8, 5 into 85, 2 into 95. आ गया, फिर याद है लास्ट कॉलम का टोटल यानी समेशन ऑफ एफ एम और एफ का समेशन, समेशन ऑफ एफ, एफ का समेशन कितना 85 और समेशन ऑफ एफ एम 411. उसके अनमीन निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ एम 4115, समेशन ऑफ एफ 85, 517 जा 58 जा 40, 52 जा 10, 15. पॉइंट में आएगा क्या, कितना 48.4. ये हो गया लेस देन. तो लेस देन में क्या करना है, आपको शुरू वाले एफ को वैसे ही लिखना है, फिर क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है. समझ गए, नोट करो, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, पॉज कर. अब हम करेंगे मोर देन, लेस देन वाला तो हो गया, अब मोर देन यानी कि अबव. लेस देन में हमने क्या देखा था, जब एफ निकाल रहे थे शुरू वाले एफ को वैसे लिखे फिर माइनस किए. मोर देन में या अबव में शुरू से ही माइनस करेंगे एफ को और लास्ट वाले को वैसे ही उतार देंगे. चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल यानी कि एक्स, जीरो एंड अबव, जीरो से ऊपर, फिर दस से ऊपर, दस दस का गैप, तो पहला मेरा जीरो टू टेन, टेन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी टू थर्टी, थर्टी टू फोर्टी, फोर्टी टू फिफ्टी, फिफ्टी टू सिक्सटी, सिक्सटी टू सेवेंटी, सेवेंटी टू एट्टी, एट्टी टू नाइन्टी, नाइन्टी टू हंड्रेड, हंड्रेड टू वन हंड्रेड टेन. क्यों बच्चों आगे गया मैं, हंड्रेड एंड अबव मतलब हंड्रेड से भी ऊपर और 10 का गैप 100 टू 110. अब असली खेल खेलेंगे. तो जैसे मैंने बताया शुरू से ही माइनस करना चालू कर दो. 80 माइनस 77 3, 77 माइनस 72 5, 72 माइनस 65 7, 65 माइनस 55 55 माइनस 43, 43 माइनस 28, 28 माइनस 16, 16 माइनस 10, 10 माइनस 8, 8 माइनस 0 और आखिरी वाले 0 को. तो शुरू लेस देन में क्या किए, शुरू वाले को वैसे लिखते थे फिर माइनस करते थे. मोर देन में शुरू से ही माइनस करेंगे, लास्ट वाले को वैसे का वैसे. उसके बाद क्या निकालोगे जानते ही हो, एम मिड वैल्यू 0 प्लस 10 बाई टू 5, 30 बाई टू 15 सेम, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105. इसके बाद क्या निकालेंगे, एफ एम. थ्री फाइव जब 15, 15 फाइव जब 75, 25 सेवन जब 175, 350,
ले टोटल कर दो गौरव, समेशन ऑफ एफएम 41 और समेशन ऑफ एफ 80 आ रहा है क्या? देख तो ना, बस अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन समेशन ऑफ एफ एम 4140 समेशन ऑफ एफ 00 कैंसल 85 जो 40 14 81 8 60 87 जो 56 51.75। ये हमारा मीन ए टू जेड खत्म। अब हम लोग करेंगे मोड और मीडियन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे बच्चों मोड। इसमें कोई इंडिविजुअल डिस्क्रीट फिस्किट सीरीज नहीं है। आपके सिलेबस में मोड आएगा सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में। एक आएगा नॉर्मल क्वेश्चन, एक आएगा मिसिंग वैल्यू। एक ही फॉर्मूला है, ये रहा मोड का। इसमें कोई डायरेक्ट मेथड अलग, वो मेथड अलग, ऐसा नहीं है। सिंगल क्वेश्चन सेम फॉर्मूला, ये रहा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सिंपल है बच्चों, जो सबसे बड़ा वैल्यू है एफ में वो आपका एफ वन होगा। क्या होगा? चलो देखो इसको, एफ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 33। तो ये मेरा क्या हो गया? इसके प्रेसीडिंग वाला ऊपर वाला एफ जीरो, इसका सक्सीडिंग नीचे वाला एफ टू। और जो एफ वन है ये एमसीक्यू में भी आता है, मॉडल क्लास किसको लेते हैं? एफ जीरो, एफ वन या एफ टू? एफ वन। एफ वन वाला क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास। ध्यान रखना इसको, मॉडल। तो बताओ मेरे को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? एच। एच का मतलब है अपर माइनस लोअर, अपर माइनस। रुचि बोर्ड में देखो, अपर 2500 लोअर 2000, अपर माइनस लोअर कितना आ गया? बस अब उस फॉर्मूले में क्या कर दो? पुट कर दो। सबसे पहले एल, एल क्या है? 2000 प्लस एफ वन, एफ वन क्या है? 33 माइनस एफ जीरो 40। फॉर्मूला तो सही है ना? अरे हाँ यार, वही तो, मैं भी सबसे बड़ा 40 है। देखिए मैं भी इधर चुप रहा हूं यार, एक सिली मिस्टेक मेरे से भी हो गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा 40 है, मैं इसको 33 बोल रहा हूं। अब हम लोग भी तो इंसान है, गलती हो जाती है। अब लगातार पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। चलिए ये वाला गड़बड़ हो गया। सबसे बड़ा नंबर है 40, तो 40 मेरा हो जाएगा एफ वन, इसके ऊपर वाला एफ जीरो और ये वाला एफ टू और एफ वन वाला मॉडल क्लास। तो ये हमारा मॉडल क्लास, लोअर लिमिट 1500 एच, अपर माइनस और दो माइनस 1500 500। तो एफ वन 40 माइनस एफ जीरो 24, टू इंटू एफ वन, टू इंटू 40 80 माइनस एफ जीरो 24 माइनस एफ टू 33 इंटू एच, एच क्या है? 500। 2000 प्लस 40 माइनस 24 16, 80 माइनस, हाँ अच्छा मॉडल क्लास तो 1500, सॉरी इसको चेंज करना भूल गया था, 1500 लोअर लिमिट। हाँ
80 माइनस 24 कितना होता है 56, 56 माइनस 33 23 इंटू 500, कैंसल तो हो नहीं रहा है, तो 1500 प्लस 16 इंटू 500 8000 डिवाइडेड बाई 20 पॉइंट में आएगा 23 3 जा 69 11 110 23 5 जा 115 हो जाएगा, तो 23 4 जा लेना पड़ेगा 23 4 जा 92 18 180 181 जितना बचा 19 0 347.8 के आसपास आना चाहिए, दोनों को प्लस कर दो 1847.8। सबसे सिंपल है बच्चों मोड, मीन मीडियन मोड में सबसे सिंपल, सिंपल एफ में जो सबसे बड़ा है वो आपका F1 वाला मॉडल क्लास, उसी से आपको लोअर लिमिट मिल जाएगा, ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2, फिर इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए आपका मोड आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नोट करो, पॉज कर फोटो ले लो। अब हम लोग देखेंगे मोड के मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, मोड दे दिया है, मिसिंग वैल्यू एक्स निकालना, बहुत सिंपल है, सेम वही तरीका अपनाएंगे। चुप रहो, सेम वही तरीका अपनाएंगे। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, एक मिनट पॉज करना। तो अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, यहां पे सबसे बड़ा नंबर आप सोच रहे हैं 9, पर कैसे, x भी तो बड़ा हो सकता है, हो सकता है x 11 हो 12 हो, तो हम श्योर तो नहीं हो सकते कि इसमें f1 f0 कैसे लें। तो क्या करना है आप लोग, मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन में जब मोड दिया हो, जो मोड दिया हुआ है चेक करिए क्लास इंटरवल में वो किसके बीच में आ रहा है, 4608.7 4000 से 5000 के बीच में आएगा, हाँ या ना। तो ये क्या बन जाएगा, मॉडल क्लास, ये मेरा लोअर लिमिट 4000 एच अपर माइनस 5 माइनस 4। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था मॉडल क्लास में से ही F1 लिया जाता है, तो ये मेरा क्या हो गया F1, ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2। अब फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या फॉर्मूला है, L मेरा 4000 प्लस F1 मेरा x मोड इक्वल टू F1 मेरा x माइनस F0 मेरा 4 अपॉन 2 इंटू F1 2 इंटू x 2x माइनस F0 4 माइनस F2 9 इंटू एच 1000। अब मोड क्वेश्चन में दिया है बच्चों, देख सकते हो 4608.7, तो मोड के जगह 4608.7 प्लस 4000 इधर ट्रांसपोज होके माइनस 4000 इधर एक्स माइनस 4 2x, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 13 इंटू 1000 4608.7 माइनस 4000 608.7 इक्वल टू ये 1000 x से भी इंटू होगा 4 से भी इंटू होगा 1000 इंटू x 1000x माइनस 1000 इंटू 4 4000 2x माइनस 13 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 13 इंटू होगा 608.7 से
और 1000x माइनस 4001 से इनटू होगा तो वही आ जाएगा 1000x माइनस 4000। अब इनटू करते हैं, पहले 2x से इनटू होगा 608.7, इनटू कर दो 2 इंटू 608.7 1217.4x। अब 13 से इंटू कर, 13 इंटू 608.7 79.1 इक्वल टू 1000x माइनस 4000। अब बच्चों यहां स्पेस खत्म हो गया है तो मैं ऊपर कर ले रहा हूं इसको, 1217.4x प्लस 1000x इधर आके माइनस 1000x इधर बचा है माइनस 4000, ये माइनस 7913.1 वहां ट्रांसपोज होके प्लस 7913.1। 1217.4x 1000 माइनस होगा 217.4x, माइनस प्लस माइनस, इससे इसको माइनस कर 39 पॉइंट, बड़े नंबर का साइन प्लस। अब x इक्वल टू 3913.1, 217.4 कहां चला जाएगा, नीचे, पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10, ऊपर भी इंटू 10, तो ये हो गया 3913.1 2174। डिवाइड कर दे इसको, लगभग 18 आ गया आंसर। तो ये है बच्चों आपका मोड का मिसिंग वैल्यू। एक बार और, नॉर्मल क्वेश्चन में हमने देखा एफ से हम लोग सबसे बड़े को F1 लेते हैं, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, और F1 हमारा मॉडल क्लास है। बट मिसिंग वैल्यू में आपको थोड़ी पता है पहले से कौन सा सबसे बड़ा होगा, तो आप क्या करोगे, जो आपका मोड है चेक करो वो किसके बीच में आ रहा है। मोड 4608.7 वो 4000 से 5000 के बीच में आ रहा है, तो ये मेरा मॉडल क्लास यानी कि F1। तो ये 4000 लोअर लिमिट, H अपर माइनस लोअर 1000, ये मेरा F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। फिर फॉर्मूला पुट किया, यहां से चालू किया था मैंने, यहां तक करने का स्पेस खत्म हो गया, तो इधर किया तो X का वैल्यू आया 17.99 अप्रोक्स 18। तो ये आपका मोड भी होता है खत्म। अब हम करेंगे मीडियन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में आ गए हैं बच्चों, मीडियन। मीडियन को सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। और एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मीडियन का फॉर्मूला है, और यहां पे जब भी मीडियन की बात होगी आपको एक चीज निकालना होगा जिसको कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फॉर्म CF, ठीक है। और N जो होगा वो CF का लास्ट होगा, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मीडियन में आपको CF निकालना पड़ेगा और N होगा CF का लास्ट। जैसे एक क्लास इंटरवल है और ये नंबर ऑफ लैंप्स यानी फ्रीक्वेंसी, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, CF, पहला सेम 14, क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, प्लस करते जाना, प्लस करते जाइए, 14 प्लस 56 70, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 86 216 प्लस 74 290, 290 प्लस 62 352, 352 प्लस 48 400 आ गया हमारा CF। अब सबसे पहले आपको n बाई 2 निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, n क्या होता है, CF का लास्ट 400 बाई 2 कितना आया, 200। अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर जो CF में 200 से बड़ा है,
पहला नंबर जो सीएफ में 200 से, पहला नंबर जो सीएफ में 200 से बड़ा है वो क्या है? तो इसके सामने क्या है एफ में? तो ये मेरा एफ, इसके सामने मीडियन क्लास, मीडियन और सीएफ एक ऊपर, सीएफ एक, एफ 86 है तो सीएफ इसके ऊपर क्या दिख रहा है? तो ये क्या हो जाएगा मेरा सीएफ। बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है एच, अपर माइनस लोअर, 3.5 - 3 500। बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो, एल लोअर लिमिट 3000 प्लस n/2 मैं कर चुका हूं 200 माइनस सीएफ, सीएफ 130 अपॉन एफ, ये रहा मेरा एफ 86 इंटू एच 500। ये मीडियन का फॉर्मूला, प्लस 200 माइनस 130 70 इंटू 500 35,000 अपॉन 86, 2 से काटो 24 जाए 2 3 6 डिवाइड कर तो इसको 17,500 को 43 से डिवाइड करो 406.9 मतलब लगभग 407 3407 या इसको आप 3406.9 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन मीडियन, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम करेंगे इसका मिसिंग वैल्यू, आप लोग फोटो ले लो, पॉज कर तुरंत नोट करो। अब हम लोग करेंगे मीडियन का मिसिंग वैल्यू, और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें मीडियन का मिसिंग वैल्यू निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले मीडियन में मैंने क्या सिखाया, सीएफ निकालना पड़ेगा, तो सीएफ निकाल लो 2 5 + 2 7 7 + x 19 + x 36 + x 56 + x 56 + x + y यही दो मिसिंग वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई। 65 + x + y 72 + x + y 76 + x + अब मैंने आप लोगों से क्या बोला था, n मतलब cf का लास्ट, n इज इक्वल टू cf का लास्ट। n क्वेश्चन में 100 गिवन है, क्वेश्चन में n का वैल्यू 100 गिवन है, तो n की जगह क्या लिख दूंगा, और सीएफ का लास्ट ये रहा 76 + x + y + 76, इधर ट्रांसपोज होके -24, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग n/2 निकालते थे नॉर्मल क्वेश्चन में और चेक करते थे कौन सा नंबर सीएफ में उससे बड़ा है, बट अगर मिसिंग वैल्यू दिया है तो ऐसा नहीं करना। याद है मोड जब गिवन था तो उसमें भी चेक किए थे किसके अंदर आता है, मीडियन में भी अगर मिसिंग वैल्यू निकालना है तो जो मीडियन गिवन है चेक करो वो किसके बीच में आएगा, कितना दिया है मीडियन, किसके बीच में आएगा 525। तो ये मेरा क्या बन गया, मीडियन क्लास लोअर लिमिट 500h अपर माइनस लोअर 100 f 20, और याद है सीएफ एक ऊपर 20 के ऊपर क्या है, तो सीएफ क्या हो गया 36 प्लस, मोड में भी यही किए थे ना, मोड में भी मिसिंग वैल्यू में चेक किए थे वो क्लास इंटरवल में किसके बीच में आता है, मीडियन के मिसिंग वैल्यू में भी चेक करना पड़ेगा वो किसके बीच में आता है। फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या फॉर्मूला है मीडियन का,
एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच। मीडियन कितना दिया है, मीडियन 525, तो मीडियन के जगह 525, लोअर लिमिट 500, एन कितना दिया है 100, तो एन बाई टू कितना हो जाएगा 50 नहीं होगा, एन 100 दिया है, एन बाई टू 100 बाई टू 50 माइनस। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, बच्चे इसी में गलती करते हैं, सी एफ क्या है, अब इसमें ब्रैकेट नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट डालने से साइन चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन ब्रैकेट नहीं डालने से गलत हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट डालना। अपॉन एफ, एफ मेरा 20 इंटू एच, एच मेरा 100 प्लस 500 इधर आके माइनस 500 50 माइनस प्लस माइनस प्लस, फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस 500 25 50 माइनस 36 14 माइनस एक्स बाय 20 इंटू 100 फाइव 25, ये 14 माइनस एक्स है, दोनों 5 इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, 5 इंटू 14 70, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5x इधर ट्रांसपोज होके प्लस 5 प्लस 25 वहां ट्रांसपोज होके माइनस 25 5 कहां चला जाएगा, नीचे। कितना है x का वैल्यू, x आ गया, अब याद है फर्स्ट इक्वेशन जो बनाए थे उसमें x को पुट कर दो, x का वैल्यू कितना था 9, तो x के जगह 9 प्लस 9 इधर आके माइनस 9, 24 माइनस 9 मीडियन क्लास, 24 माइनस 9 15, तो एक मिसिंग वैल्यू x हमारा 9 आया, दूसरा मिसिंग वैल्यू हमारा कितना आ गया 15। तो मीडियन में जब मिसिंग वैल्यू दिया हो तो आपको ऐसे ही करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बार लेस देन वाला कैसे करते हैं, याद है ना आप लोगों को सिखाया था लेस देन और मोर देन, ठीक है, एक वो वाला भी करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो लो, पॉज कर। अब बच्चों लेस देन वाला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले लेस देन 140, तो 140 के पहले का सारे नंबर 140 से कम है, तो पहले वाला क्या बन जाएगा 0 to 140, फिर लेस देन 145, कितने का गैप है 5 का, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। मैं इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि लेस देन 165, तो इसके आगे मैं नहीं जा सकता। ये मेरा क्लास इंटरवल एफ, असली खेल एफ। याद है लेस देन में क्या सिखाया था, पहले वाले को वैसे लिख देना, उसके बाद क्या करते जाना माइनस, तो पहला वाला 4 वैसे लिख दो, 11 माइनस 4 29 माइनस 11 40 माइनस 29 46 माइनस 40 51 माइनस 46 5 निकल गया एफ। कहां, अरे हाँ सॉरी, होता है यार इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, 4-5 घंटा हो गया तो एक आध सिली मिस्टेक तो हो गई। हाँ तो एफ आ गया, मीडियन में क्या निकालना पड़ता है सी एफ, क्या निकालना पड़ता है, तो सी एफ 4, 4 प्लस 7 11 29 40 46 51 हो गया। अब क्या करेंगे n by 2, याद आया ना नॉर्मल क्वेश्चन में n by 2 निकालते हैं, n क्या होता है cf का लास्ट, cf का लास्ट 51 by 2 25 पॉइंट, पहला नंबर जो सी एफ में 25.5 से बड़ा है, क्या है वो
तो 29 के सामने 18, एफ मेरा 18, सीएफ एक ऊपर 11, मीडियन क्लास ये रहा, तो लोअर लिमिट 145, एफ के सामने ही मीडियन क्लास आएगा याद रखना, और एच अपर माइनस लोअर 150 माइनस 45 5, बस अब फॉर्मूला पुट कर दो मीडियन का, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, लोअर लिमिट 145, एन बाई टू, एन बाई टू हम कर चुके हैं 25.5, माइनस सी एफ 11, एफ 18, एच 5, 14.5 अपॉन 18 इंटू 5, 5 कैरी 2, 5 फोर 22 कैरी 2 अपॉन 18, 18 फोर 72, 18 जीरो 0, 5 0, 18 टू 36, 149.0 आ गया लेस देन। अगर यही मोर देन होता क्या होता, तो मैं क्या करता, अगर ये मोर देन होता तो मेरा आखिरी वाला मोर देन 165 होता, तो आखिरी वाला 165 टू 170 होता, और मोर देन में क्या करते हैं बोला था, शुरू से ही माइनस, 11 माइनस 4 7, 29 माइनस 11 18, और आखिरी वाले को वैसे का वैसे लिखता, लेस देन में शुरू वाले को वैसे लिखते और फिर माइनस करते हैं, मोर देन में शुरू से ही माइनस करते हैं और लास्ट वाले को वैसे लिखते हैं। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ, और फिर कैसे करना है आपको पता है। तो इस तरह से आपका स्टैट्स ए टू जेड, मीन मीडियन मोड मिसिंग वैल्यू सारी चीजें मैंने आपको करा दी, आपका स्टैट्स कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे।